नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात की है। 2.5 घंटे तक ये मुलाकात चली है और मुलाकात के बाद जब तेजस्वी यादव रिम्स से बाहर निकले तो खूब दहाड़े हैं नीतीश कुमार पर। सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव खूब दहाड़े हैं और सीएम नीतीश कुमार के सरकार के मंत्रियों पर भी खूब दहाड़े हैं। बिहार सरकार के उन मंत्रियों पर खूब हमला बोला है तेजस्वी यादव ने, जो अक्सर तेजस्वी यादव पर और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हैं। तेजस्वी ने दो टूक कहा कि हम नीतीश के चमचे बेलचों की बात नहीं करते। सीएम नीतीश कुमार को बताना चाहिए कितना ही भ्रष्टाचारी है लालू परिवार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तो 2015 में गिड़गिड़ाकर हमसे समर्थन क्यों लिया था, हमारे साथ क्यों आए थे। सुनिए क्या कहा है तेजस्वी यादव ने जब वो लालू प्रसाद यादव से रिम्स में 2.5 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले। आज तक थोड़ा नीचे कीजिएगा भैया। ठीक है, ठीक है सर। कैमरा थोड़ा नीचे, आज तक नीचे। लालू जी का यही संदेश है राष्ट्रीय जनता दल के हर एक सिपाही और लालू जी को जो मानने वाले जो चाहने वाले सौरभ, लालू जी का यही कहना है एक लाइव करने के लिए और जो गरीब सबसे ज्यादा चैनल लेके आया मोबाइल ये लाइव लेके जो बेरोजगार है उनका सहारा बनना है जी। यानी लालू जी का साफ संदेश है राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही का, एक एक लालू जी को चाहने वाले का, मुझे नीचे करो ना, मजदूरों का, बेरोजगारों का सहारा बनिए, उनकी लड़ाई को लड़िए और उनको सहयोग कीजिए। जिस विपरीत और दुख के घड़ी में आज जो हमारी जनता, गरीब जनता जो मर्माहत हुई है, उसके साथ खड़े होने का लालू जी ने पैगाम दिया है। ये कटना नहीं कटना ये तो फॉर्मेलिटी की चीज है, लेकिन असल में लालू जी का यही कामना है। उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा तब होगा जब हर बिहार के नौजवान को रोजगार, जब हर गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, मजदूर को जब सम्मान मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसानों को सही मुआवजा मिलेगा, सही काम मिलेगा, ये लालू जी का सपना है और इसको हम लोगों को मिलकर के साकार करना है। आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार है वो गरीब को सम्मान नहीं दे सकती, मोबाइल हटाओ, गरीब को रोजगार नहीं दे सकते, वो गरीब का पेट नहीं भर सकते। तो जिस प्रकार से उन्होंने गरीबों का अपमान किया है नीतीश कुमार जी, आपको पता होगा कि अपने ही बिहार के लोगों को उन्होंने मना कर दिया कि बिहार नहीं आने देंगे। वो गरीब था, मजदूर था, किसान था, बेरोजगार था, अब लाखों लाख की संख्या में जो है बेरोजगार हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी कोरोना के टाइम में 85 दिन से गायब है, जनता के दुख में शामिल नहीं है, उनका सहारा नहीं बन पाए, बल्कि उसी जनता ने उनको एक एक वोट देकर के सत्ता पे बैठाने का काम किया। तो दुख की बात है कि नीतीश कुमार जी ने गरीबों का सम्मान तो नहीं किया लेकिन अपमान करने में वो आगे रहे। और एक बिहार सरकार की चिट्ठी जिसको लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, साफ तौर से बताया गया है कि मजदूर जो है वो चोर है, क्रिमिनल है। किस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने सभी गरीबों को बिहार जनता सब देख रही है और सही समय पर जवाब दे लगातार नीरज कुमार आपके परिवार पे हमले कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको शायद ही कोई जानता हो, लेकिन ये बातें जो है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जब नीतीश जी तो गायब हैं 85 दिन से, तो उनको जो बोलना होता है एक नया चेहरा रख देते हैं और नई जुबान रख देते हैं, लेकिन ये कहना नीतीश कुमार जी का ही है। सारी बात जो है स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन सब चीज के नीतीश कुमार जी है। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं,
अब हमको तो नीतीश कुमार जी पर तरस आ रहा है। कौन है यार, मोबाइल ये दिन आ गया, खड़ा हो गया ना तुम, क्या आप इस तरह की राजनीति करिएगा? 365 दिन होता है राजनीति करने का। आज लालू जी का जन्मदिन था, कम से कम फोन कर दियो। आज आपको लालू जी इतने भ्रष्टाचार नजर आ रहे, तो 2015 में आप क्यों गिड़गिड़ा करके लालू जी का सहयोग लिए, बताओ ना भाई। नीतीश कुमार जी से मेरा सवाल है, इनके एलचे पेलचे कौन होते हैं? हम लोग नहीं जानते, ये तो नीतीश कुमार जी का कहना है। नीतीश कुमार जी बीजेपी को क्यों छोड़ा था? और महागठबंधन में लालू जी का पैर पकड़ करके क्यों गिड़गिड़ा रहे थे अगर भ्रष्टाचारी थे तो? लालू जी के दम पर आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आज लालू जी को ही गाली दे रहे हैं, तो इसलिए ये स्तर गिर गया है नीतीश कुमार जी का कि जिसके वोट पे वो राजा बने हुए हैं उन्हीं को जो है गाली दे रहे हैं। मतलब जब आपको सहायता चाहिए थी, जब मदद चाहिए था कि भैया, तब लालू जी 2015 में भ्रष्टाचारी नहीं नजर आ रहे थे, अब अचानक से भ्रष्टाचारी हो, बड़ा हमको तो हंसी आता है। और ये तो जनता बिहार राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक है, सब कुछ जानती है कि क्या खाना पक रहा है। इनको चुनाव की चिंता, हमको गरीब की चिंता, ये चुनाव की चिंता कर रहे हैं। अभी गरीब का चिंता करना चाहिए, तो 85 दिन से कहां कौन से बिल में घुसे हुए हैं, क्या सहयोग किया, क्या मदद किया? तो इस तरह की राजनीति नीतीश कुमार जी को मुबारक हो। और नीतीश कुमार जी जानते हैं, एक बात समझ ले नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता जानती है कि आपकी कुर्सी खिसक रही है, इसलिए आप इस तरह की घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। और हमें कुछ नहीं कहना, लाख गाली लालू जी को दीजिए, तेजस्वी को दीजिए, लेकिन गरीब की लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं है, गरीब को अधिकार दिलाकर के रहे। तो न सिर्फ लालू से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को जवाब दिया है, बल्कि नीतीश सरकार के जो मंत्री हमलावर रहते हैं, खासकर नीरज कुमार, अशोक चौधरी, संजय झा, उनको भी जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने। और दो टूक कहा कि हम नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहते हैं, चमचे बेलचों की बात मैं नहीं करता। नीतीश कुमार बताएं कि इतना ही भ्रष्टाचारी है तो हमसे समर्थन क्यों लिया था, हमारे साथ क्यों आए थे? तो जाहिर है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये लड़ाई अब आक्रामक हो चली है। लड़ाई सिर्फ ट्विटर पर नहीं है, ट्विटर वार नहीं है, लड़ाई सिर्फ पोस्टरों तक सीमित नहीं है, ये लड़ाई आमने सामने की है। दिल्ली में, माफ कीजिएगा, रांची में तेजस्वी यादव लालू से मिलते हैं और पटना में नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो खुलासों का दौर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर और ताबड़तोड़ हमलों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। कुछ महीनों का वक्त बचा है, इसलिए लड़ाई और आक्रामक होगी, बिल्कुल ये समझा जा सकता है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।